की दुकान खुलते ही टूटा नागरिकों का हुजूम, भीड़ के आगे प्रशासन नतमस्तक, नहीं हो पाया दिशा निर्देशों का पालन। गंजवासों से ये खबर हमारे पास आ रही है, जहां कोरोना संक्रमण वायरस के खतरे को देखते हुए संपूर्ण भारत में देवालय हो मदिरालय सभी बंद कर दिए गए थे, लेकिन सभी धार्मिक त्योहारों के बावजूद प्रशासनिक दिशा निर्देशों के लिए मंदिर नहीं खोले गए। लेकिन जैसे ही आज शराब की दुकान खुलने की खबर आई, सुबह से दुकानों के आसपास सैकड़ों की संख्या में नागरिक एकत्रित होने लगे, और जैसे ही दुकान खुली नागरिक दुकानों पर टूट पड़े। सब दिशा निर्देश रखे रह गए, पुलिसकर्मी नियंत्रित करने में लगे रहे, लेकिन भीड़ नियंत्रित नहीं हुई। कई जगह नाबालिग बच्चे भी लाइन में लगे दिखे। सबसे अचरज की बात तो ये सामने आई कि जब ऐसे लोग लाइन में लगे दिखे जो आवश्यक सामग्री और परिवार के भोजन के लिए सामाजिक संगठनों के भोजन वितरण पर आश्रित थे, वो अब शराब की दुकान पर महंगी शराब खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं। विदिशा से इंडिया खबर लाइव के लिए एलन चौबे की एक रिपोर्ट। कितने पैसे दिए उन्होंने आपको एक्स्ट्रा? अरे एक्स्ट्रा नहीं दिए, अपनी मर्जी से आए लेने। हाँ। तो हमेशा जाते हो, पहली बार आए हो? पहले कभी गए हो? पहली बार आए हो गलारी पे? पहली बार आया।